हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से, मतलब सिर्फ 10 मिनट में आप आलू के पराठे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल। कैसे बनाते हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आलू ले लेंगे। मैंने यहाँ पे दोपहर में ही आलू उबाल के रख दिए थे, तो आलू मैंने यहाँ करीबन 7 से 8 आलू लिए है हुए हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब ओवर कुक नहीं करने हैं आलू को, एकदम कम स्टीम, मतलब जो सीटी है वो कम करनी है, कच्चे भी नहीं रहना चाहिए, वो भी देखना है फ्रेंड्स। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे दोस्तों, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालना फ्रेंड्स ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही टेस्ट आएगा हमारे ढाबा स्टाइल। तो गरम मसाला डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं अदरक मिर्च, लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पेस्ट डाल दी है। अब हम इसमें अंदर डाल देते हैं नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। फ्रेंड्स ये एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि आलू पराठा में जो टेस्ट है एकदम इंक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ पे एक तड़का लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे राई, जीरा डाल देंगे दोस्तों, और थोड़ी सी हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और तुरंत ही हमको ये तड़का हमारे आलू में डाल देना है फ्रेंड्स, ये बात का ध्यान रखना है। बाकी आप देर लगाओगे तो हमारे सारे मसाले जो है वो जल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि अच्छे से सारे आलू को मैश कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से हाथों से ही मसल रही हूँ। हाथों से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा आलू जो है वो पूरे रहते नहीं है, सारे मैश हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अच्छे तरीके से सारे आलू को मिक्स करके मसाला बना के तैयार कर लिया है, और मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, तो सब सही है। और क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा नींबू डाल दिया है मैंने, और ये नॉर्मल जो हमारा फ्रेंड्स पराठे का जो डो होता है वो बना के मैंने रेडी रखा था। तो और डो की रेसिपी फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, तो वो आप जाके देख भी सकते हैं। इसे मैंने पूरी व्लॉग जो है वो नहीं लिया है। तो थोड़ी सी रोटी हमको बेल लेनी है दोस्तों, और बीच में मैंने यहाँ पर आलू का मसाला जो हमने बना के रखा था, तो वो आलू का मसाला भी हम यहाँ पर रख देते हैं, तो और अच्छे से बंद कर देते हैं। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा हमारा आटा होता है, तो एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बीच में क्या होता है फ्रेंड्स कभी कभी कि कच्चा रह जाता है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा आटा था वो निकाल लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको रखना है तो रख सकते हैं। और क्या करेंगे कि एकदम हल्के हाथों से हमको बेल लेना है, और ध्यान रखना है फ्रेंड्स क्या वो फटेगा कि नहीं फटेगा वो पराठा, वो फ्रेंड्स अपने आलू के ऊपर होता है। क्योंकि आलू क्या होता है कि कभी कभी हम ज़्यादा बॉईल कर देते हैं और सीटी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि आलू में पानी थोड़ा सा रह जाता है, तो पराठा जो है फट सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पराठा बन करके तैयार है। अब क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, तवा लिया है, और तवे के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। फ्रेंड्स ये पराठे को आप घी में सेकेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, और बटर हो आपके पास बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो यूज़ करें ना करें। और मैंने सिंपल यहाँ पे ऑयल में ही यहाँ पे पराठा को सेक लिया है। अगर फ्रेंड्स आपको चाहिए तो आप घी में भी सेक सकते हैं, या फिर घी को ऊपर से भी लगा सकते हैं। और क्या करेंगे कि पराठे को अच्छे से सेक लेना है फ्रेंड्स चारों तरफ से, और कम से कम मुझे यहाँ पे 2 से 5 मिनट लग गई है, क्योंकि पराठे को अच्छे से सेकना पड़ता है फ्रेंड्स, बाकी अंदर से वो जो मसाला और आटा जो है वो कच्चा भी रहता है, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एक पराठा है बना करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने यहाँ पर पराठे को सेक लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो पराठा है बनकर मतलब सेक करके तैयार हो चुका है। तो ये पराठे को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और दूसरा पराठा जो है हमारा है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो यहाँ पर पराठा है बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पराठे को सर्विंग प्लेट में ले रही हूँ, और आप ये फ्रेंड्स बच्चों को भी या टिफिन में भी दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है।
बच्चे खाएंगे, सब लोग खाएंगे, इतना टेस्टी हमारा लगता है। मैंने रेड चट्टी के साथ इसको सर्व किया है। आप दही के साथ कर सकते हो, अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों को सॉस बहुत ही पसंद रहता है, तो आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो इसको। फ्रेंड्स, मैं आपको फीलिंग दिखा रही हूँ ये अंदर की, कितनी अच्छे से जो हमारे जो स्टफिंग है ये दिख रहा है आपको, कि हमारा जो पराठा है बन करके तैयार है फ्रेंड्स। और आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ में इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।